हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करने वाले हैं क्विज क्लास 30। और आज के जो क्वेश्चन हैं आपके, ये 2019 के 2 दिसंबर में मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सेम क्वेश्चन तो ना आपका रिपीट हो, बट इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और इसी तरीके का क्वेश्चन हो और दूसरी तरीके से उसको फ्रेम किया गया हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर किसमें से दिखता है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूडेड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। तो आपने UNFCCC का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपने पढ़ा ही होगा और UNFCCC को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो उसमें जब हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। यहाँ पर लिमिट्स उन्होंने नहीं बताई है, उनका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन टू में बोला हुआ है कि टू प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए इन्होंने लिमिट्स नहीं बताई हुई है, ओवरऑल इन्होंने बोल दिया है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का, आपको ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए इन्होंने कोई लिमिट्स सेट की हो। उसके बाद दूसरी बात, जो तीसरा आपका ऑप्शन है, द टू ले डाउन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, तो एज सच कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी UNFCCC ने नहीं बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इन्फोर्समेंट इन्होंने बना दिया है, कोई मैकेनिज्म बना दिया कि उसको आपको फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है आपका, टू प्रिपेयर गाइडलाइन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान बाय मेंबर कंट्रीज, तो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई गाइडलाइन बनाई है कि किस तरीके से क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना है मेंबर कंट्रीज को। इन्होंने ये बोला है कि हर एक मेंबर कंट्रीज को अपना 100% देना चाहिए और वो मेंबर कंट्रीज खुद से अपनी गाइडलाइंस या अपने गोल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन वन, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमोसफेयर। ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है UNFCCC का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग UN कॉन्फ्रेंसेस और समिट अडॉप्टेड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी समिट थी या UN कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो प्रोग्राम बनाया गया, जो एक्शंस बनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसको अडॉप्ट किया गया था आपके रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में। उस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया था जिसमें डिफरेंट टाइप के एक्शंस थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इसको जो भी मेंबर्स थे यूएन समिट के, उन्होंने सबने इसको अडॉप्ट किया और इसीलिए ये आपका रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस आपका बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्फ्रेंस है या फिर समिट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बाय मर्जिंग री नेमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब मतलब एग्जाम से पहले भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में, और ये क्वेश्चन आपका आ भी किया था एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये पूछा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को किन डिपार्टमेंट्स को, किन मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके या रीनेम करके बनाया गया था। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया तो उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जिनको आपस में मर्ज किया गया, और वो आपकी कौन सी मिनिस्ट्रीज थी, तो वो थी आपकी ऑप्शन थ्री, दैट इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन तीनों मिनिस्ट्री को जो अलग अलग पहले काम करती थी, इनको एक साथ मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया। इसमें वाटर रिसोर्सेज की बात की गई, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की बात की गई, और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की भी मिनिस्ट्री की भी बात की गई। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये वाटर से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स उन्हीं मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर मर्ज किया गया होगा जो वाटर से रिलेटेड होंगी। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तो भी ऑप्शन ए में आप देख सकते हो, ऑप्शन ए में अर्थ साइंसेज दिया हुआ है, अर्थ साइंसेज डायरेक्टली आपका वाटर से रिलेटेड नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, रूरल डेवलपमेंट में भी एज सच आपका ये वाटर से रिलेटेड नहीं है।
इसी तरीके से डी में सिर्फ एक मिनिस्ट्री की बात की गई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो अभी हम ऊपर बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसमें मर्ज किया गया है, तो मर्ज का मतलब ये होता है कि जहां पर एक से ज्यादा हो तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड बी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एलिमिनेट होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता था टॉपिक ये वाला तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, कुछ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ और थोड़ा सा गेस करने के साथ आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर एनवायरमेंट, UNEP फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। तो इसमें ये बोला हुआ है कि वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस को इनकरेज करने के लिए और प्रोटेक्शन फॉर द एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए UNEP ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019 को फोकस किया है और उसमें बेसिक थीम क्या है। तो आपका क्वेश्चन बस इतना है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो 2019 का था उसका थीम क्या था, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखिए, नेट के जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आपको हमेशा जो वो बोल रहा है आपको उस पर फोकस करना होता है, जो एडिशनल चीज़ें होती हैं क्वेश्चन पे वो चीज़ें आपको नहीं ध्यान देनी होती है। वो क्वेश्चन इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का ओवरऑल लॉजिकल उनका क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जज हो पाए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे है थर्ड, दैट इज बीट एयर पोल्यूशन। ये आपका थीम था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019 का। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 2020 का भी पढ़कर जाइएगा, हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपके पूछे गए थे दिसंबर 2019 में। अगेन इस सीरीज़ में हम और ज़्यादा जो आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।